बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास है विस्कॉसिटी और एक है सरफेस टेंशन। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले विस्कॉसिटी की तरफ जा रहे हैं। विस्कॉसिटी क्या है बच्चों? इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कॉसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कॉसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। इसको बच्चों हम ईटा से डिनोट करते हैं। वैसे आपको पता है बच्चों, जितनी चीज कोई विस्कस का मतलब होता है, आप समझ लें गाढ़ापन। जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उसमें इतनी विस्कॉसिटी ज्यादा होगी। यानी विस्कॉसिटी ज्यादा होने का मतलब है उस लिक्विड का फ्लो करना जो है वो मुश्किल होगा, यानी बहुत मुश्किल से फ्लो करेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों, हमारे पास है, जैसे हम घरों में देखते हैं ग्लाइसरीन भी होती है, हनी भी होता है शायद जिसे हम कहते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास इसकी विस्कॉसिटी बहुत ज्यादा है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो बहुत कम है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनके अंदर जो लिक्विड का फ्लो है, वेलोसिटी है, वो बहुत कम है, विस्कॉसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, जबकि वाटर है उसकी विस्कॉसिटी जो है वो कम है। तो बच्चों बेसिकली तो विस्कॉसिटी, जैसे मैं कहता हूं वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करना यानी डालना आसान है, जबकि अगर आपके पास हनी हो या ग्लाइसरीन हो उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना जो है वो मुश्किल होता है। तो हमें इतना पता चला कि बच्चों विस्कॉसिटी, तो आमतौर पर हमारे पास जो विस्कॉसिटी होती है जब एक कोई भी लिक्विड फ्लो करता है, तो बच्चों इनर से आउटर की तरफ यानी कंटेनर की वॉल की तरफ जो है वो विस्कॉसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे लोएस्ट वेलोसिटी किस लेयर की होगी, तो जो आप समझेंगे जो कंटेनर के साथ वाली लेयर होगी उसकी विस्कॉसिटी वेलोसिटी जो है वो सबसे कम होगी, वेलोसिटी सबसे स्लो होगी, तो विस्कॉसिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। जैसे बच्चों हम इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं, इसके डेफिनेशन तो समझ आ गई कि बेसिकली किसी भी लिक्विड के फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस होती है उसे विस्कॉसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है बच्चों? इसकी मुख्तलिफ यूनिट है। जैसे अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, तो बच्चों हमारे पास एसआई यूनिट जो इसकी है, एसआई यूनिट इसकी अगर हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास है, इसमें हम ये यूज कर सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। इसके अलावा बच्चों एक और यूनिट भी हम इसमें यूज करते हैं, न्यूटन मीटर पावर -2 सेकंड, ये भी इसकी एसआई यूनिट है। नॉन एसआई यूनिट अगर हम विस्कॉसिटी की देखें बच्चों, तो नॉन एसआई यूनिट भी हमारे पास इसकी मौजूद है, नॉन एसआई यूनिट जिसको हम आमतौर पर बुक में पढ़ होते हैं पोएस के नाम से, ये साइंटिस्ट के बेस पे इसको नाम दिया गया। तो नॉन एसआई यूनिट जो है विस्कॉसिटी की वो हमारे पास पोएस है। अगर मैं आपसे कहता हूं वन पोएस किस चीज की इक्वल है, तो बच्चों आपको पता है कि हम लिख सकते हैं वन पोएस इक्वल होता है ग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास है। या इसको हम ऐसे भी लिख रहे होते हैं 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, इस तरीके से भी हम इसको डोनेट करते हैं। तो ऐसा यूनिट भी हमें इसकी पता चल गई, किसकी यूनिट क्या है, इनको बकायदा ड्राइव भी किया जा सकता है। अगर आप मेरे नोट्स यूज करेंगे तो उनके अंदर बकायदा तौर पे मैं हिंट्स में साथ साथ ये चीजें ड्राइव भी लिखता हूं, लेकिन बच्चों यहां मैनेज करना होता है लेक्चर को। विस्कॉसिटी पे अब हमारे पास, विस्कॉसिटी के बाद इसके फैक्टर्स पे आते हैं। विस्कॉसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? विस्कॉसिटी डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। इसमें से एक फैक्टर हमारे पास है शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। हम इसमें लिख सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा है? तो बच्चों दूसरा फैक्टर हमारे पास है इसमें टेम्परेचर।
तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शॉर्ट फॉर्म में मैंने IMF लिख दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम इनको जरा इनके साथ रिलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपसे कहता हूं शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें हम बच्चों ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो साइज में स्मॉल है और उसकी रेगुलर शेप है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल साइज एंड रेगुलर शेप, रेगुलर शेप हैज लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी। आपको समझाने के लिए ये सेंटेंस आपको बता दिया कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसका साइज छोटा है, रेगुलर शेप है, उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों फॉर एग्जांपल में वाटर का स्ट्रक्चर हो सकता है, एसीटोन का स्ट्रक्चर हो सकता है और बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये मॉलिक्यूल साइज में छोटे भी हैं, रेगुलर शेप भी है। इसी तरीके से इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल है उसका साइज लार्ज है, मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज साइज एंड इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप हैज हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी हाई होगी, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, तो बच्चों आप इसमें हनी की एग्जांपल दे सकते हैं, ग्लाइसरीन की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ग्लाइसरीन लिख दिया, ये हमारे पास है। दूसरा फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर हम टेम्परेचर से इसको रिलेट करते हैं कि टेम्परेचर से विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, विस्कोसिटी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा होगा कि घरों में जब बच्चों कभी शहद को, हनी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ता है, उसको गर्म किया जाता है, उसको गर्म करके एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर किया जाता है जिससे वो आसानी से पोर हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली तो ये रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन को कहते हैं ये। अब तीसरा फैक्टर हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इसको रिलेट करें तो बच्चों हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, या विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे मैं कहता हूं वाटर इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू अल्कोहल, वाटर ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू मिथाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल हो या कोई भी अल्कोहल हो। वजह क्या है बच्चों? इसलिए कि वाटर के अंदर पर ऑक्सीजन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, जबकि अल्कोहल के अंदर पर ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों ये विस्कोसिटी का टॉपिक, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। दूसरा हमने जो इस टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने अभी पढ़ा था कि हम इसके अंदर यानी शुरू में हमने देखा था कि हम इसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। बच्चों बेसिकली तो ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के ऊपर खिंचाव को कहते हैं,
इसको हम गैमा से भी नोट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसकी आसान डेफिनेशन बता दें जिसमें आसानी से ये चीज समझ भी आ जाए, तो आप कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सर्फेस ऑफ लिक्विड बाई यूनिट एरिया इज कॉल्ड सर्फेस टेंशन। यानी यूनिट एरिया को एक्सपेंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे सर्फेस टेंशन कहेंगे। डेफिनेशन बनेगी बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी required to expand surface of unit area is called surface tension. Amount of energy required to expand per unit area या पर यूनिट आपके पास जो भी पर यूनिट लेंथ है जो भी उसकी है उसको हम एक मीटर को एक्सपेंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे सरफेस टेंशन कहेंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इट इज डिनोटेड बाय गैमा, इसको हम गैमा से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं इसकी यूनिट क्या होती है तो याद रखिए बच्चों इसकी भी हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट है। जैसे एक यूनिट हम अपनी बुक्स में पढ़े होते हैं एस आई यूनिट एक हमारे पास है जो बुक में मौजूद है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसी तरीके से एक और यूनिट भी इसकी हो सकती है जौल पर मीटर स्क्वायर। इन यूनिट से आमतौर पर इसको डिनोट किया जाता है, बाकी भी यूनिट मौजूद है। बच्चों मैं आपसे कहता हूं ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आप कहते हैं इसके अंदर भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। इसके अंदर भी अगर हम आते हैं फैक्टर्स हैं, जैसे एक इसमें टेम्परेचर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर, और इसी तरीके से ये आप समझ लें सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने यहां पे सरफेस ऑफ यूनिट एरिया लिख दिया तो इसका मतलब है इसमें एक फैक्टर और भी है और वो हमारे पास है सरफेस एरिया। तो बच्चों मैं अगर आपसे कहता हूं सरफेस टेंशन किन तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो एक सरफेस एरिया, एक टेम्परेचर, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जरा इसको रिलेट कर लेते हैं कि कोई मल्टीपल चॉइस आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम लिख सकें। सबसे पहले है जी सरफेस एरिया के साथ कैसे रिलेट करें। बच्चों ये सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने देखा होगा कि एक छोटा ड्रॉपलेट है वो गोल शेप का होता है। उसकी वजह क्या है, जब बारिश होती है तो जितने भी कतरे होते हैं वो आमतौर पर गोल शेप में होते हैं। इसीलिए कि ये आपको पता है कि सरफेस फिनोमेना है और ये बेसिकली इनवर्ड पुल मिलने की वजह से वो वाटर के सारे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो एक बॉल नुमा शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सरफेस एरिया से इसको रिलेट करें तो आप कहते हैं जो सरफेस टेंशन होती है वो सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया। जैसे हमें पता है कि एक ड्रॉपलेट है उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, जबकि एक वाटर है लेकिन एक पॉन्ड में है यानी एक रिवर में है या एक किसी भी कंटेनर में है तो उसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम होगी। इसलिए हमें पता है कि जितने ड्रॉपलेट छोटे होते हैं उनके ऊपर सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है सरफेस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर है हमें पता है टेम्परेचर, इसके साथ हमने इसको रिलेट करना है। तो टेम्परेचर जो होता है वो सरफेस एरिया के, आप समझ लें कि सरफेस टेंशन जो है उसके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसके साथ भी इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल के दरमियान गैप बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स कम हो जाएगी, तो उसके दरमियान खिंचाव जो है वो कम हो जाएगा।
यानी अगर दो मॉलिक्यूल साइडों से खिंच रहे थे तो जो इनवर्ड पुल मिल रही थी लिक्विड को अंदर की तरफ, जो मॉलिक्यूल उसे उसकी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं थे, नीचे वाले मॉलिक्यूल उसको जब खींच रहे थे, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो फोर्स कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमें पता है कि जो हमारे पास लो टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास है बच्चों इसमें, हमारे पास तीसरा जो फैक्टर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बाज़ दफ़ा बुक में ना इसको नेचर ऑफ लिक्विड भी लिखा जाता है कि पोलर लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होती है और नॉन पोलर लिक्विड की सरफेस टेंशन कम होती है। बात तो वही है बच्चों, लेकिन एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए सरफेस टेंशन जो होगी, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी सरफेस टेंशन कम होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, वाटर की सरफेस टेंशन, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, जैसे इथाइल अल्कोहल या कोई अल्कोहल है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, जबकि इथाइल अल्कोहल में इसकी निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया।